नमस्कार बच्चों मैं अशोक कुमार साहू आपका मेंटर आपका करियर गाइड स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इंस्टीट्यूट वगली क्लासेस में कैसे हैं दोस्तों हाउ आर यू ऑल मैं अशोक कुमार साहू आपका मेंटर आपका करियर गाइड मोस्ट वेलकम इन सुपर लेक्चर सीरीज सक्सेस शो मेरे बच्चों चलिएगा हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जो आपका न्यूरोलॉजी चल रहा है न्यूरोलॉजी के पहले मैं आपका गैस्ट्रो का टेस्ट करवाने वाला हूँ तो गैस्ट्रो के टेस्ट की डेट मैंने बता दिया है आपको मैं सैटरडे को आपका टेस्ट करवाऊंगा और उसके बाद में मेरे बच्चों ये सारे इंस्ट्रक्शन है गैस्ट्रो का कंप्लीट यूनिट का टेस्ट होगा 26 को सेमिनार है 27 को और न्यू बैच है 28 से और फ्री पीडीएफ आपको ऐप के अंदर अवेलेबल है और अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो या सजेशन चाहिए तो क्लास के बाद आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं लिख सकते हैं तो देखिएगा मेरे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूँ पहला क्वेश्चन आज का वॉट वेयर इज द दीएसएफ रिट आपको बताना है बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर सीएसएफ का कहां होता है चलिएगा क्वेश्चन बताइए मेरे बच्चों इसका आंसर आपसे पूछ रहा हूं कि CSF जो हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन के अंदर बनता है इसका रिओब्जॉपन कहां होता है और क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं मेरे बच्चों याद रखना सीएसएफ का यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड का रीअब्जॉर्न कहां होता है अंडरस्टैंड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बहुत ही आसान सा सवाल वेरी गुड शाबाश yes, मुकेश बुगली रूहाना बुगली कृष्णा यू ऑल आर मोस्ट वेलकम बेटा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड जो बनता है इसका फॉर्मेशन होता है मेरे बच्चों कहां पर फॉर्मेशन कहां होता है ये बताइए आप इसका फॉर्मेशन करते हैं मेरे बच्चों कोरोइड प्लेक्सस कौन करता है कोरोइड प्लेक्सस कहां पाए जाते हैं बेटा ये हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर पाए जाते हैं कहां पर वेंट्रिकल्स के अंदर कोरोइड प्लेक्सस होते हैं जिनमें जिनमें एरैकनोइड विलाईज जिनके अंदर मेरे बच्चों सीएसएफ बनता है और सीएसएफ बनने के बाद ये ब्रेन को काम क्या करता है तो इसका फंक्शन होता है ब्रेन को कुशनिंग देना यानी ब्रेन के लिए क्वेश्चनिंग प्रोवाइड करना और दूसरा काम होता है मेरे बच्चों इस सीएसएफ का ब्रेन के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना क्लियर है अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना मेरे बच्चों सीएसएफ जो होता है इसका फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होता है चलिएगा एक और क्वेश्चन बताइएगा कि सीएसएफ का फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होता है कौन सी प्रोसेस से सीएसएफ बनता है कैन यू टेल मी अबाउट दिस की सीएसएफ का फॉर्मेशन जो होता है मेरे बच्चों वो कौन सी प्रोसेस से होता है जवाब दीजिएगा सीएसएफ फॉर्म्ड बाय विच प्रोसेस कौन सी प्रोसेस से सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है बेटा किस प्रोसेस से सीएसएफ बनता है नहीं तो देखिएगा लिसन केयरफुली मेरे बच्चों सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है सिक्रेशन प्रोसेस के माध्यम से इसका फॉर्मेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जवाब नहीं लगाना है राइट right? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से सीएसएफ नहीं बनता है मेरे बच्चों सीएसएफ का फॉर्मेशन केवल सिक्रेशन प्रोसेस के माध्यम से होता है तो यह भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा था कि इसका री कहा होता है बनने के बाद तो मेरे बच्चों ये रिअब्जोर्व होता है अरेक्नोइड वालाई के अंदर बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा सबको आ गया बेटा क्लियर है तो सीएसएफ इज रीअबोर्ड इन द अरेक्नोइड विलाई चलिएगा कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी सीएसएफ का नॉर्मली सीएसएफ का वॉल्यूम होता है वन फिफ्टी एम एल यानी हंड्रेड से टू हंड्रेड यदि अगर मेरे बच्चों आपसे क्वेश्चन करें कि सीएसएफ का एवरेज वॉल्यूम कितना होता है तो याद रखना मेरे बच्चों 150 ml इसका एवरेज वॉल्यूम है और रेंज यदि पूछता हूं कि रेंज कितना होता है तो सीएसएफ का रेंज होता है बेटा 100 से 200 ml क्लियर हो गया है नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि इसके फॉर्मेशन की रेट कितनी होती है तो सीएसएफ के फॉर्मेशन की रेट होती है एक मिनट के अंदर 0.3 ml की रेट से सीएसएफ बनता है 1 मिनट में कितना सीएसएफ बना मेरे बच्चों 0.3 ml कितना अरे भाई बोलो पॉइंट थ्री एम एल का सीएसफ प्रोडक्शन होता है क्लियर है यहाँ तक CSAF का प्रोडक्शन पॉइंट थ्री एम एल की रेट से होता है एक मिनट के अंदर यदि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे पूछता हूं तो वन पॉइंट जीरो ग्रेविटी होता है और इसकी रिएक्शन यदि अगर बात करता हूं मेरे बच्चों मीडियम यदि बात करता हूं तो ये एल्केलाइन मीडियम है यानी कि इसकी रिएक्शन होती है एलकेलाइन टाइप की क्लियर है नेक्स्ट फॉर्मेशन कहा होता है तो याद रखना मेरे बच्चों कोरोइड प्लेक्सस के अंदर जो कहां सिचुएटेड होते हैं वेंट्रिकल्स के अंदर तो सीएसएफ बनता कहां है मेरे बच्चों बनता है ये कोरोइड प्लेक्सस के अंदर तो याद रखना टोटल मेरे बच्चों पंद्रह से बीस क्वेश्चन हमें यहां से सीखना है पंद्रह से बीस क्वेश्चन क्लियर है तो सीएसएफ का फॉर्मेशन कोरोइड प्लेक्सस के अंदर और कोरोइड प्लेक्सस कहां होते हैं तो हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स में पाए जाते हैं ऐसा कौन सा एक और ऑर्गन होता है बेटा जिसमें वेंट्रिकल होते हैं एक और ऑर्गन बताइएगा जिसमें वेंट्रिकल होते हैं कौन सा एक और ऑर्गन है मेरे बच्चों जिनमें वेंट्रिकल पाए जाते हैं बॉडी के कौन से ऑर्गन में वेंट्रिकल होते हैं यस वेरी गुड शाबाश हार्ट के अंदर भी वेंट्रिकल पाए जाते हैं अब आपसे पूछू मेरे बच्चों की कि सीएसएफ किस मैकेनिज्म से बनता है यानी इसके फॉर्मेशन की मैकेनिज्म क्या है तो ये बहुत एडवांस क्वेश्चन है बेटा इसको काफी अच्छे से आप सीख लीजिएगा समझ लीजिएगा सीएसएफ का मैकेनिज्म होता है सिक्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर डायलाइसिस मेरे बच्चों ये सीएसएफ ना तो डायलाइसिस प्रोसेस के द्वारा बनता है और ना ही फिल्ट्रेशन के द्वारा बनता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या डायलिसिस सेम बात है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से सीएसएफ नहीं बनता है सीएसएफ का जो मैकेनिज्म होता है वो सीक्रेशन वाला मैकेनिज्म होता है की जो सेल्स होती हैं वो इसे सीक्रेट करती है और ये कोरॉइड प्लेक्सिस हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर पाए जाते हैं इसका ग्रेविटी 1.005 होता है इसका रिएक्शन एल्केलाइन होता है मेरे बच्चों ये 0.3 थ्री एक मिनट में बन जाता है वापिस से रिएब्जोर हो जाता है मेरे बच्चों एरेक्नोइड विलाइस के अंदर जो कहा होती है ड्यूरल साइनसेस के अंदर और स्पाइनल वेंस के अंदर तो स्पाइनल वेंस और ड्यूरल साइनसेस में पाई जाने वाली एरेक्नोइड विलाइस इनके माध्यम से इसका रिएब्जॉर्प्शन होता है क्रिस्टल क्लियर हो गया है बेटा नॉर्मली सीएसएफ का एक बार फिर से रैपिड रिविजन करेंगे नॉर्मली सीएसएफ का अमाउंट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड का अमाउंट 150 फिफ्टी एवरेज है और यदि रेंज अगर आती है एग्जाम के अंदर तो 100 से 200 जवाब देना है रेट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो 0.3 थ्री ये वन मिनट के अंदर फॉर्म होता है मेरे बच्चों यदि अगर इसकी ग्रेविटी की बात करो तो 1.005 इसका ग्रेविटी है और रिएक्शन एल्केलाइन टाइप का ये सी एस होता है मेरे बच्चों इसका फॉर्मेशन होता है के अंदर जो हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स में पाए जाते हैं क्लियर हो गया है यहां तक ध्यान से सुनना एक एक बात को यदि अगर हम इसके फॉर्मेशन की मैकेनिज्म पूछते हैं आपसे तो सिक्रेशन के मैकेनिज्म से बनता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसमें मत लगाना क्योंकि जब अगर मैं इसी बात को क्वेश्चन की फॉर्म में पूछता तो आपका मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का आंसर होता बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्लियर है याद रखना सीएसएफ वापस रि कहां होता है तो ये एरेक्नोइड विलाईज के अंदर जो कहां पाई जाती है याद रखना ड्यूरल साइनसिस के अंदर और मेरे बच्चों स्पाइनल वेन्स के अंदर ये वापस रि होता है तो हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा केवल सीएसएफ का रीअब्जॉप पूछा था और उसका जवाब देना था आपको एरेक्नोइड विलाई क्लियर हो गया यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों विच ड्रग स्टीमुलेट द सीएसएफ फॉर्मेशन सीएसएफ के फॉर्मेशन को कौन सी ड्रग स्टिमुलेट करती है जवाब दीजिए मेरे बच्चों और ये आपके लिए बहुत ही नया क्वेश्चन है काफी डिफरेंट क्वेश्चन है और जो लोग आंसर कर रहे हैं बी ऑप्शन उनका आंसर बिल्कुल ही गलत है मेरे बच्चों याद रखना सीएसएफ के प्रोडक्शन को स्टीमुलेट करती है पाइलोकार्पिन पाइलोकार्पिन सीएसएफ के सिक्रेशन को बढ़ा देती है क्लियर है तो पाइलोकार्पिन मेडिसिन जो होती है दैट इंक्रीज दैट एनहांस द स्टीमुलेशन ऑफ द सीएसएफ फॉर्मेशन अब याद रखिएगा मेरे बच्चों क्या आंसर आएगा पाइलोकार्पिन यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर नॉट द बी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन करिए यहां तक क्लियर है ना याद रहेगा तो एक बार फिर से बताओ कौन सी मेडिसिन जो है वो सीएसएफ प्रोडक्शन को बढ़ा देती है तो आंसर मेरे बच्चों की एनहांस या द द प्रोडक्शन ऑफ़ सीएसएफ क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा अगला सवाल विच सलाइन क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं विच सलाइन इनक्रीज द सीएसएफ फॉर्मेशन कौन सा सलाइन सीएसएफ के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा और ये याद रखना सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला एमआर क्वेश्चन है एनोटमी का क्वेश्चन है मेरे बच्चों लेकिन ये मान के चलो आप एम आर क्यू क्वेश्चन है तो चलिए जवाब दीजिएगा आप कि कौन सा सलाइन जो होता है है के अंदर production को बढ़ाएगा पहला क्लोराइड और 50 परसेंट सुक्रॉस मेरे बच्चों क्वेश्चन बहुत जानदार है <laughs> बहुत बढ़िया सवाल है और आई होप कि आप लोग सही करेंगे हरीश एंजेल आरवी अच्छा कौन कौन बिल्कुल न्यू है जो फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं मेरी तो चलिएगा ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों नहीं गलत जवाब कर रहे हैं आप लोग अब देखिए आपको आंसर ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए था सवाल थोड़ा सा माइंड यूज करना था आपको यस वेलकम बेटा वोगली परिवार में आपका स्वागत है अनिल यस yes, नीतू आपका भी मोस्ट वेलकम बेटा जो जो आज बिल्कुल नए हैं कंचन मोस्ट वेलकम अल्फिया मोस्ट वेलकम बेटा जो मोस्ट जो आज हमारे न्यू साथी हमारे फैमिली के अंदर ऐड हुए हैं उनको वेलकम करो मेरे बच्चों वोगली के जितने भी प्रीवियस मेंबर्स हैं वो सब उनको बधाई दें स्वागत करें अच्छे ढंग से फूल माला पहनाएं मेरे बच्चों अगर थोड़ा सा माइंड यूज करते हम तो सुनिए लेसन केयरफुली अगर 50 परसेंट सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो ये एक प्रकार का हाइपरटोनिक सलाइन है क्लियर है यदि अगर मेरे बच्चों 50 परसेंट सुक्रोज की भी बात करूं तो ये भी एक प्रकार का हाइपरटोनिक सलाइन है तो तीन ऑप्शन तो यहां पर मुझे सिमिलर मिल गए हैं और जब कभी भी हम किसी क्लाइंट को यदि हाइपरटोनिक सलाइन देंगे जैसे ये सी एस एफ है मेरे बच्चों और ये ब्लड है अब ब्लड के अंदर यदि अगर हमने क्या कर दिया हाइपर टॉनिक सलाइन का इन्फ्यूजन कर दिया हाइपर टॉनिक सलाइन का इन्फ्यूजन कर दिया तो ब्लड कैसा हो जाएगा मेरे बच्चों ब्लड हो जाएगा गाढ़ा और ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो सीएसएफ का जो वाटर होगा ना एच टू ओ वो कहां आ जाएगा ब्लड के अंदर ऑस्मोलर डिफरेंस होने की वजह से सीएसएफ का वाटर कहां आने लगेगा ब्लड के अंदर आने लगेगा तो सी का प्रोडक्शन जो होगा वो घट जाएगा मेरे बच्चों तो यहां पर केवल आपके पास दो चॉइस ऐसे है टू चॉइसेस ऐसे हैं हाइपोटोनिक सलाइन और आइसोटोनिक सलाइन जिससे कि सी का प्रोडक्शन बढ़ता है मेरे बच्चों बाकी के सारे ऑप्शंस जो हैं उनके अंदर सी का प्रोडक्शन इसमें इसमें और इसमें इन तीनों कंडीशंस में सीएसएफ का प्रोडक्शन घटता है तो जब कभी भी आप किसी भी क्लाइंट को हाइपरटोनिक सलाइन देंगे मेरे बच्चों तो हाइपरटोनिक सलाइन सीएसएफ प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा और यदि अगर आप आइसो या हाइपोटोनिक सलाइन देंगे तो ये यह सीएसएफ के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा क्लियर हो गया है सब लोगों को बोलिए भाई क्रिस्टल क्लियर है यस राकेश लव यू टू बेटा मोस्ट वेलकम ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या सब लोगों को अब गलत नहीं होगा ना फ्यूचर में कभी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो सही कर लोगे कि नहीं कर लोगे बोलो भाई अभी तक गलत हुआ कोई बात नहीं लेकिन इन फ्यूचर एग्जाम्स के अंदर हमें करेक्ट करना है सीखते जाना है क्योंकि एग्जाम बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाले हैं मेरे बच्चों सी प्रेशर की बात करता हूं अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो सीएसएफ का प्रेशर जो होता है पोजिशन के अकॉर्डिंग बदलता है और पोजिशन चेंज होने पर सी का प्रेशर भी चेंज होता है तो मेरे बच्चों के अंदर इसका प्रेशर टेन टू 18 सेंटीमीटर ऑफ होता है लाइंग मेरे बच्चों पोजीशन के अंदर 30 सेंटीमीटर ऑफ एच टू तो मैक्सिमम यदि अगर मैं प्रेशर के बेसिस पर पोजीशंस को अरेंज करता हूं तो मैक्सिमम सीएसएफ का प्रेशर सिटिंग के अंदर लाइंग के अंदर

उसका इधर का ब्रेन कंट्रोल करता है और हमारे जो नॉन डोमिनेंट हैंड है उसको इधर का ब्रेन कंट्रोल करता है तो हमारा जो सेरिब्रम है इसके दो हैमिस्फेयर होते हैं लेफ्ट हैमिस्फेयर और राइट right हेमिस्फेयर मेरे बच्चों जो राइट right हेमिसफेयर है वो लेफ्ट साइड को नर्व सप्लाई देता है और जो लेफ्ट हैमिस्फेयर है वो राइट right साइड को नर्व सप्लाई देता है तो हमारे ब्रेन के अपोजिट साइड के पार्ट के द्वारा अपोजिट साइड की मसल्स को नर्व सप्लाई करना ही क्या कहलाता है बेटा डेक्यूसेशन कहलाता है तो डेक्यूसेशन टर्म जो है इसको याद रखना था नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा विच स्ट्रक्चर कंटेन द एग्जॉन दैट कैरी द इंफॉर्मेशन इन टू एंड आउट ऑफ द सेरिबेलम यहां पर ध्यान रखना सेरिब्रम नहीं है सेरिबेलम टर्म है और आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं बेटा वो क्या सवाल है आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है दैट दैट कंटेन द कैरी इंफॉर्मेशन इन टू एंड आउट ऑफ द सेरिबेलम याद रखना सेरिबेलम की वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो इसमें से मेरे बच्चों न्यूरॉन्स या न्यूरोमेशन को अंदर लाती हैं और बाहर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पहला है सैरिबेलर पेड्यूंकल गैंग्लियोन्स या नाउस। व्हाट इज द राइट आंसर मेरे बच्चों अंजना सारे लोग क्लास को लाइक कर दो के बाद में आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं मेरे बच्चों लाइक करो तो ठीक तुम्हारा चैनल है तुम्हारा क्लास है तुम्हें जैसा पसंद है बुगली है बुगली सब नर्सेस का है जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसा करो आपको जवाब देना है मेरे बच्चों की कौन सी स्ट्रक्चर होती है जिसमें सेरिबेलम से इंफॉर्मेशन अंदर आने जाने के लिए एक्सोन पाए जाते हैं सेरिबेलम की उस स्ट्रक्चर का नाम बताना है जिसमें सेरिबेलम के अंदर बाहर एग्जॉन्स के आने जाने के लिए न्यूरॉन पाए जाते हैं और मेरे बच्चों याद रखना ये स्ट्रक्चर है ब्रेन का ध्यान से देखिए इधर और ये ब्रेन के स्ट्रक्चर में ये होता है सेरिबेलम और सेरिबेलम के अंदर पाए जाते हैं ऐसे एग्जॉन्स ऐसे एग्जॉन्स जिनमें से इंफॉर्मेशन अंदर आती है और बाहर जाती है मेरे बच्चों ये एग्जॉन्स क्या कहलाते हैं जिससे एग्जिट और इन होता है इंफॉर्मेशन का के अंदर इसे कहते हैं मेरे बच्चों अंकल अंकल अरे ये अंकल होते हैं भैया क्या होते हैं बब ये हैं पेडू अंकल क्या नाम है पेडू अंकल है मेरे बच्चों जिसको सैरी बैलर पेडू अंकल के नाम से जाना जाता है क्लियर है अरे जोर से बोलो बनना है मतलब बनना है जोश भी है और होश भी है क्लियर हो गया बेटा अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा देखें व्हाट आर द फोर मेजर रीजन ऑफ द हाइपोथैलेमस क्या आपने हाइपोथैलेमस पढ़ रखा है तो इसके चार मेजर रीजन के नाम बताने हैं और वो भी पोस्टीरियर से लेकर एंटीरियर की साइड तक पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ बताना है है ना किसके बताना है यह तो आपने पढ़ी रखा है बहुत कॉमन बात है ना हाइपोथेलेमस कौन ऐसा कैंडिडेट है जो नहीं जानता है हर व्यक्ति ने हाइपोथेलेमस याद कर रखा है और आपको बताना है इसके चार मेजर रीजन के नाम चार मेजर रीजन पार्ट के नाम कहां से कहां तक पोस्टीरियर से इंफीरियर की ओर चलिए जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन बनना है मतलब बनना है जोश भी है और होश भी है अरे ना संघर्ष ना तकलीफे तो क्या खाक मजा है जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में मेरे बच्चों याद रखना हाइपोथैलेमस जब आप पोस्टीरियर से लेकर के और एंटीरियर की तरफ देखेंगे तो इसके चार रीजन होते हैं सबसे पहला रीजन दूसरा रीजन

यदि अगर हाइपोथैलेमस के चार पार्ट्स के नाम पूछूंगा या चारों रीजन के नाम पूछूंगा तो पहला रीजन होता है मेरे बच्चों कौन सा फर्स्ट रीजन का नाम होता है मैमिलरी रीजन दूसरा रीजन दूसरा होता है ट्यूबरल रीजन थर्ड होता है सुप्रा ऑप्टिक और प्री ऑप्टिक यानी कि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल करेक्ट आंसर है याद हो जाएगा अब आपको पहला रीजन का नाम बोलो रिपीट करो एक बार फर्स्ट रीजन का नाम क्या है मेरे बच्चों मैमिलरी रीजन दूसरा रीजन ट्यूबुलर रीजन तीसरा रीजन मेरे बच्चों सुप्रा ऑप्टिक और चौथा रीजन जो है वो क्या नाम है प्री ऑप्टिक रीजन इस प्रकार से हाइपोथैलेमस के टोटल फोर रीजन होते हैं क्रिस्टल क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम फंक्शन विद द सेरिब्रम इन द मेमोरी लिम्बिक सिस्टम का कौन सा पार्ट मेमोरी के को स्टोर करने का काम करता है चलिए जवाब दीजिए मेमोरी स्टोर करने वाला सेरिब्रम के साथ कौन सा पार्ट काम करता है बहुत बढ़िया मेरे बच्चों और मेमोरी हमारी मेमोरी को स्टोर करने वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे एक बार फिर सुनिएगा विच पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम लिम्बिक सिस्टम का कौन सा पार्ट सेरिब्रम के साथ मेमोरी सेरिब्रम के अंदर मेमोरी को स्टोर करने का काम करता है किसको अरे मेमोरी को एक बार रिपीट करो किसको बेटा मेमोरी को स्टोर करने का काम करता है मेमोरी के लिए काम करता है हमारे ब्रेन का हिपो कैंपस कौन सा मेरे बच्चों हिपो कैंपस यानी कि ए ऑप्शन आपका जवाब सही होगा सिस्टम के अंदर कौन सा पार्ट क्या काम करता है सुनिएगा ध्यान से सबसे पहली बात करता हूं बेटा इमोशनल स्टेट की तो इमोशनल स्टेट हमारी बॉडी के अंदर कौन से पार्ट से रेगुलेट होती है तो हिपो और हाइपोथेलेमस दोनों कंबाइनली बॉडी के इमोशंस को कंट्रोल करते हैं इमोशनल स्टेट या इमोशंस को नियंत्रण करने वाला लिंबिक सिस्टम के पार्ट कौन कौन से होते हैं तो दोनों पार्ट का नाम याद रखना बेटा सबसे पहला है हिपो और ये काम करता है हाइपोथैलेमस के साथ में दूसरा पार्ट ओल फैक्शन को नियंत्रण करने वाला ओल फैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्ट कौन सा है लिंबिक सिस्टम का तो याद रखना पायरी फॉर्म और अमाइगेडोलॉइड न्यूक्लियस इसका नाम स्पेशल याद रखना अमाइड न्यूक्लियस जो होता है ये cortex के साथ एक तो होता है मेरे बच्चों पायरीफॉर्मकोटेक्स और एक होता है अमाइडेलॉइड न्यूक्लियस दोनों मिलकर के और हमारी बॉडी के अंदर ये ऑल फैक्शन को नियंत्रण करते हैं यदि मैं पूछूं मेरे बच्चों एंडोक्राइन सिक्रेशन को या ग्लेंड्स को कौन सा पार्ट तो स्टार लगा लो बेटा इस पर कि हमारी जो बॉडी की ग्लैंड हैं या फिर हमारी बॉडी के जो एंड्रेशन है ना इनको नियंत्रण करता है हमारे ब्रेन का इसके अलावा हाइपोथेलेमस के और क्या क्या फंक्शन होते हैं तो लिसन केयरफुली मेरे बच्चों इसके ऑटोनॉमिक फंक्शन कौन कौन से हैं जो अपने आप चल रहे हैं जैसे हार्ट रेट का रेगुलेशन करना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना वाटर का बैलेंस मेंटेन करके रखना बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना और इस पे लगा लो मेरे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट तो हमारी बॉडी के अंदर ध्यान रखना वाटर का बैलेंस चाहे से पूछ लू वाटर का बैलेंस चाहे बॉडी का टेम्परेचर हो मेरे बच्चों या हार्ट रेट हो या ब्लड प्रेशर हो सब कहा से कंट्रोल होता है हाइपोथेलेमस से ग्लैंड के सिक्रेशन भी कहां से कंट्रोल होते हैं हाइपोथेलेमस से एंडोक्राइन ग्लैंड पूरी तरह से कंट्रोल होती है हाइपोथैलेमस से ऑल फैक्शन अमाइडेलॉइड और हाइपोथैलेमस अगर पूछो इमोशंस तो याद रखना हिप्पो और हाइपोथैलेमस यदि मैं पूछूं मेरे बच्चों फीडिंग सेंटर कहाँ है और सेटाइटी सेंटर कहाँ है या फूड इंटेक्स से रिलेटेड सेंटर कहाँ है तो हमारे इस तरह के सेंटर जो फूड के इंटेक्स से रिलेटेड होते हैं या सेटाइटी से रिलेटेड होते हैं या फूड इंटैक्स से रिलेटेड होते हैं मेरे बच्चों ये अमाइडेलॉइड और हाइपोथेलेमस दोनों के अंदर पाए जाते हैं मुख्य रूप से जो फर्स्ट नंबर पर लिखा है वो आपको प्रायोरिटी देना है एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन आएगा अब मेरे को जवाब देना आप लोग यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और आप जवाब देंगे तैयार हो मेरे बच्चों पूछूं क्वेश्चन बोलो भाई क्वेश्चन पूछूं आंसर करेंगे अरे भाई बोलो बात समझ में आ गया ना यदि मैं पूछता हूं आपसे सबसे पहला हमारी बॉडी के अंदर इमोशंस को कंट्रोल करने वाले सेंटर कहाँ लोकेटेड है वेर द सेंटर्स लोकेटेड टू कंट्रोल द इमोशन देन व्हाट इज योर आंसर इमोशंस को कंट्रोल करने वाले सेंटर कहाँ है मेरे बच्चों जवाब दीजिएगा हाइपोथैलेमस एंड हिपो कैंपस के अंदर फर्स्ट नंबर पे सेकेंड आप बताइए मेरे बच्चों ऑल फैक्शन को कंट्रोल करने वाले ऑल फैक्शन मीन होता स्मेल जो हमारा नोज फील कर रहा ऑल फैक्शन को कंट्रोल करने वाले सेंटर कहां लॉकेटेड है वुड योर आंसर हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट में ऑल फैक्शन के सेंटर होते हैं ऑल फैक्शन के सेंटर कहाँ होते हैं मेरे बच्चों लिम्बिक सिस्टम के किस पार्ट से ऑल फैक्शन कंट्रोल होता है तो पायरी फॉर्म कोटेड न्यूक्लियस यदि हम आपसे पूछें कि हमारी बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड अरे ध्यान से सुनना भैया क्या बोल रहा हूं एंडोक्राइन ग्लैंड या सिक्रेशन लिम्बिक सिस्टम के कौन से पार्ट से कंट्रोल होते हैं वॉट इज योर आंसर यस प्रतिभा हर हर बुगली घर घर बुगली अब जवाब दो आप एंडोक्राइन सिक्रेशन सुनाई दे रहा है या ग्लैंड कहां से कंट्रोल होता है यस मेरे बच्चों और एंडोक्राइन ग्लैंड या सिक्रेशन कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से क्लियर हो गया नेक्स्ट पूछ रहा हूं हमारी बॉडी के ऑटोनॉमिक फंक्शन ओटोनॉमिक फंक्शन जैसे बीपी है जैसे हार्ट रेट है मेरे बच्चों ब्लड प्रेशर है टेम्परेचर है और मेरे बच्चों वाटर बैलेंस थर्स्ट सेंटर है तो यह भी हाइपोथेलेमस से ही कंट्रोल होते हैं लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूं मेरे बच्चों कि हंगर सेंटर कौन सा क्वेश्चन हंगर सेंटर या फूड इंटेक को कंट्रोल करने वाले सेंटर या इसी क्वेश्चन को हम कहें आपसे ओबेसिटी को कंट्रोल करने वाले सेंटर या फीडिंग को कंट्रोल करने वाले सेंटर तो यह होते हैं बेटा अवाइडेलॉइड और हाइपोथेलेमस के अंदर यहां तक सबको जितना पढ़ाया है बोलो भाई एक बार की सर जो समझाया है वो रगो में बस चुका है मेरे गजोधर अरे ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में हरीश सुन ली बात बेटा तो चलिएगा आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों अब एक और आपको पता है मुर्गी की घड़ी यानी जिसको कहते हैं कार्डिनल रिदम ऑफ वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जैसे सुबह होती है सुबह होते ही आपको पता है कि स्टूल पास करना है या फिर मेरे बच्चों आपको जैसे ही ब्लैडर फुल होता है तो आपको पता है कि यूरिनेशन करना है जैसे ही मॉर्निंग होता है तो आपको पता चल जाता है कि मॉर्निंग हो गया है उठना है मेरे बच्चों आजकल के स्टूडेंट्स की तो कार्डिनल रिदम मुर्गे वाली घड़ी जो है वो खराब हो रही है वैसे दिन भर सोते हैं रात भर जगते हैं रात भर मोबाइल चलाते हैं तो याद रखना हमारी बॉडी की कार्डिनल रिदम को कंट्रोल करने वाला या वेरियस फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को कंट्रोल करने वाला सेंटर्स भी पाया जाता है बेटा हाइपोथेलेमस के अंदर इसको स्टार लगा लो भैया वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो कार्डिनल रिदम का मतलब तो जानते हो ना कार्डिनल रिदम अगर हम मुर्गे से बात करते हैं पहले के जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग थे उनके पास तो घड़ी हु, हुआ नहीं करती थी वो कैसे उठते थे सुबह उनको कैसे पता चलता था कि सुबह हो गया है तो मेरे बच्चों मुर्गा बोलता था मुर्गे के अंदर कार्डिनल रिदम को रेगुलेट करने वाली पाइनियल ग्लैड जो है वो बहुत एक्टिवेटेड होती है और इसलिए सुबह के चार बजते ही और मुर्गा कुकू करना शुरू कर देता है और उससे हम लोग जागा करते थे पहले हम नहीं मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे दादा परदादा वगैरह वो लोग तो कार्डिनल रिदम जो रेगुलेट होता है वो भी हाइपोथेमस से ही रेगुलेट होता है सेक्सुअल फंक्शन भी हमारे से से ही रेगुलेट होते हैं नेक्स्ट स्टार क्वेश्चन है मेमोरी कहां रेगुलेट होता है तो हिपो से जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था ये क्वेश्चन पूछा था यहां से उठा करके तो देखिए मेरे बच्चों क्वेश्चन एक था लेकिन उस एक क्वेश्चन से मेरा पर्पज था पूरे थर्टी के थर्टी क्वेश्चन आप तक पहुंचाना 30 क्वेश्चन 30 आपको याद करवाना जितने भी हमारे पास लिंबिक सिस्टम के क्वेश्चन बनते हैं तो टोटल थर्टी क्वेश्चन बनते हैं लिंबिक सिस्टम के और ये एक क्वेश्चन ही मैं लेके आया था इससे आपको पूरा रिवाइज करवा चुका हूं कि आपसे मैंने क्वेश्चन किया था कि लिंबिक सिस्टम का कौन सा पार्ट जो है वो मेमोरी को स्टोर करता है तो आपको बताना था कि सर हिपो अब फिर इसके बाद मैंने सारे पार्ट बताए आपको कि भाई साहब ऑल फैक्शन पायरी फॉर्म कोर्टेक्स और अमाइडेलॉइड अगर इमोशन की पूछता तो हिप्पोकैम्पस हाइपोथेलेमस यदि ऑटोनॉमिक या ग्लैंड के सिक्रेशन तो हाइपोथेलेमस फीडिंग तो अमाइडेलॉइड के अंदर यदि आपसे कार्डिनल रिदम या फिर कर्कैडियन रिदम पूछूं तो हाइपोथेलेमस के अंदर याद रखना मेरे बच्चों सेक्सुअल फंक्शन भी हाइपोथेलेमस से मेमोरी हिप्पोकैम्पस से और यदि अगर रिवार्ड और पनिशमेंट की बात करें मोटिवेशन की बात करें तो आपके अंदर कहां पर है ये में मेरे बच्चों जब तक सिलेक्शन नहीं होता है एक बड़ी नौकरी आपके जब तक हाथ नहीं लग जाती है मेरे बच्चों तब तक हाइपोथेलेमस को पूर्ण रूप से एक्टिवेट रखना है और कोशिश करते रहना है प्रयास करते रहना है और कोशिश करो मेरे बच्चों की अच्छा एक्यूरेट ही चीजें पढ़े क्योंकि अगर आप रॉन्ग थिंग्स लर्न करोगे तो उससे ब्रेन के अंदर कंफ्यूजन बढ़ते जाएंगे और इस तरह से अगर हम टू क्वेश्चन एग्जाम के अंदर गलत करके आ जाते हैं रॉन्ग करके आ जाते हैं तो याद रखना मेरे बच्चों उससे बड़ा नुकसान हम लोगों को हो सकता है यस yes, वाशिद अली बेटा एक बात बताना बताओ ये लाइक मुझे कम दिख रहे हैं या आप लोगों ने किया ही नहीं कम इन्होंने नहीं किया है बेटा यार वासिद ये लाइक ही नहीं करते मुझे पसंद ही नहीं करते मैं रोज इनसे आकर के कहता हूँ कि यार लाइक कर दो लाइक कर दो लाइक कर दो पर इनको ऐसा लगता है कि लाइक कर देंगे तो बैंक से पैसे ना कट जाए भूगली सर के खाते में ना चला जाए अरे यार इतना मत घबराया करो यार मैं तुम्हें एक लाखों की नौकरी देने का प्रयास कर रहा हूं मेरा ये जो प्रयास है ये लाखों की जॉब देने का है मेरे बच्चों आपको जॉब देने वाला हूं ऐसा एफर्ट्स मैं आपके लिए कर रहा हूं तुम तो एक लाइक करने में भी इतना हिचकिचा रहे हो मेरे बच्चों में लाखों का व्यक्ति बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूं आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये तो मैं श्योरली नहीं कह सकता लेकिन मेरे बच्चों मेरी कोशिश में कहीं भी कमी नहीं रहेगी ये मैं कह सकता हूं मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं रहेगी आप किसी भी एंगल से नाप तोल करके चेक कर लेना मेरे बच्चों वुगली के जो एफर्ट्स होंगे वो आपके लिए इतने हाई एफर्ट्स होंगे कि आपको डेफिनेटली सफल बना दूंगा क्लियर है तो देखिएगा मेरे बच्चों आगे बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच टाइप ऑफ ब्रेन वेव इंडिकेट द इमोशनल स्ट्रेस मेरे बच्चों कौन से वेव का पाया जाना अपियर हो जाना इमोशनल स्ट्रेस को इंडिकेट करता है चलिएगा जवाब दीजिए मेरे बच्चों क्वेश्चन को पहली बात तो आप एम्स रिमार्क डाल दीजिएगा और वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा क्योंकि याद रखना मेरे बच्चों क्वेश्चन वाकई बहुत जानदार है आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं कि कौन सा वेव ब्रेन का इमोशनल स्ट्रेस को रेगुलेट करता है किस वेव का अपियर हो जाना इमोशनल स्ट्रेस को इंडिकेट कर रहा है <laughs> अंजलि बेटा किसी का फ्रस्ट्रेशन का आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए आपको हमेशा बहुत बहादुर रहना है अरे तुम तो मेरे बहुत बहादुर बच्चे हो इतने में घबरा जाओगे तो कैसे बात बनेगी मैं कैसे तुम लोगों को अपने पैरों पे खड़ा कर पाऊंगा घबराना नहीं है किसी से भी और अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं देनी है दिनों दिन अपने प्रयासों का लेवल बढ़ाते रहो देखिए मेरे बच्चों आप में से जो लोग आंसर कर रहे हैं भैया डी ऑप्शन या ए ऑप्शन उनका आंसर बिल्कुल ही रॉन्ग है मेरे बच्चों और सही आंसर है उन लोगों का जो आंसर टाइप कर रहे हैं कौन सा अरे सही आंसर एक चांस और दे रहा हूं सबको जल्दी से आंसर पुट करिएगा मेरे बच्चों याद रखना जब भी इमोशनल स्ट्रेस होता है इमोशनल स्ट्रेस मींस कोई भी पर्सन या तो सैड होता है एंगर होता है या फिर ये बहुत हैप्पी होता है कोई भी इमोशन जब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है ना मेरे बच्चों तो ऐसी स्थिति में यदि किसी भी पर्सन का आप ईजी e -E करेंगे इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी करेंगे ग्राफ करेंगे तो मेरे बच्चों इसके ई के अंदर कौन कौन सी वेव होती है ये वेव्स होती है इसमें से इमोशनल स्ट्रेस के केस में कौन सा वेव बनता है तो थीटा वेव होता है मेरे बच्चों जो इमोशनल स्ट्रेस की वजह से डेवलप होता है तो इमोशनल स्ट्रेस की वजह से ईजी के अंदर कौन सा वेव बनता है मेरे बच्चों थीटा वेव बनता है आइए वेव्स देख लीजिएगा आप कौन कौन सी वेव्स होती हैं ये हमारे ब्रेन का ईजी है मेरे बच्चों और इसका स्टैंडर्ड होता है हंड्रेड माइक्रोवोल्ट और इसके अंदर पहला चौथा वेव, 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 वेव होता है मेरे बच्चों डेल्टा वेव और इसके अंदर जब आई को ओपन क्लोज करते हैं तो ये अल्फा ब्लॉक बनता है तो मेरे बच्चों इस तरह का जो रिपोर्ट होता है ये होता है हमारे ब्रेन का ईजी रिपोर्ट और ईजी रिपोर्ट जो होता है ना मेरे बच्चों उसमें जो थीटा वेव बनती है वो इमोशनल स्ट्रेस की वजह से बनती है आइए देखते हैं कि सबसे पहले जर्मन साइकेट्रिस्ट थे मेरे बच्चों और इनका नाम था हैंस बर्जर वाज़ द फर्स्ट वन टू एनालाइज द ईईजी वेव सिस्टमैटिकली और हैंस द ईजी वेव आल्सो नॉन एज द बर्जर वेव मेरे बच्चों एक और आप अपनी नॉलेज के अंदर अपडेट करेंगे कि सबसे पहले इजी वेव के बारे में दुनिया को बताने वाले साइंटिस्ट थे हैंस बर्जर और हैंस बर्जर की वजह से ही आज इजी वेव का सेकंड नेम होता है मेरे बच्चों बर्जर वेव अब मैं आपसे कंपटीशन के अंदर आपके टेस्ट के अंदर यदि एक सवाल पूछ लेता हूं कि कौन सी वेव्स को बर्जर वेव के नाम से भी जाना जाता है तो एजी का दूसरा नाम होता है मेरे बच्चों बर्जर वेव क्लियर हो गया है रिमार्क डाल लीजिए यहां पर स्टार लगा लीजिएगा नेक्स्ट आपका सवाल मैं बताना चाहता हूं मेरे बच्चों की इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी कब बोलते हैं इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम कब कहा जाता है और इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ कब बोला जाता है यहां से अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है जैसे आपसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये तीनों क्वेश्चन हम ईसीजी के लिए भी आपको पढ़ाएंगे जब कार्डियो पढ़ाएंगे तो और यही क्वेश्चन आपको न्यूरो पढ़ा रहे हैं तब भी आपको पढ़ा रहे हैं मेरे बच्चों कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कब बोलते हैं स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन यदि मैं पूछू ग्राफी क्या बोलू बेटा ग्राफी बोलू ना तो आपको क्या पहचानना है कि सर जो आप बात कर रहे हो वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम कहते हैं ग्राफी क्या कहते हैं बेटा ग्राफी <coughs> और यदि हम आपसे बात करें मेरे बच्चों ग्राम की, ग्राम की की यदि बात करें तो ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम कहेंगे ग्राम यदि मैं मेरे बच्चों आपसे कहूं ग्राफ की बात करता हूं तो याद रखना मेरे बच्चों इंस्ट्रूमेंट जो काम में ले रहे हो आप इजी रिकॉर्ड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया जा रहा है उसको हम कहते हैं बेटा ग्राफ क्लियर हो गया तो तीनों टर्म याद रखेंगे ग्राफी ग्राफी क्या है एक्टिविटी है ग्राम ग्राम क्या है मेरे बच्चों ग्राफिकल रिकॉर्डिंग है अंडरस्टैंड और मेरे बच्चों ग्राफ क्या है तो ग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है तीनों बात क्लियर हो गया है तीनों क्वेश्चन में कोई डाउट कोई कंफ्यूजन अगर क्वेश्चन एग्जाम में करता हूं ग्राम या ग्राफ या ग्राफी तो ग्राफी क्या है मेरे बच्चों इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग ऑफ द

तीनों क्लियर हो गया बेटा ग्राम ग्राफी और ग्राफ अंडरस्टैंड मेरे बच्चों ओज्वल दीक्षित लव यू बेटा पेंसेस मोस्ट वेलकम मेडिकल नॉलेज मोस्ट वेलकम क्लास लाइक करिए यार लाइक करिए थोड़े कम पढ़ रहे हैं लाइक जिसने लाइक नहीं कर रखा है वो लाइक करिए चलिए बनना है मतलब बनना है नर्सिंग ऑफिसर बनना है और एक बार बोलो भाई जोश भी है और जोश भी है और आगे का शब्द बोल के बता दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कैलकुलेट द परफ्यूजन प्रेशर इफ द बीपी इज बीपीटी बाई इसमें आपको हो सकता है पेपर पेन की जरूरत पड़ जाए पेपर पेन की आवश्यकता पड़ जाए मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका बीपी आपको 90 बाई 60 दिया हुआ है और इसका आईसीपी आपको 18 दिया हुआ है और आपको इसका कैलकुलेट करना है सेरिब्रल प्रेशर यानी कि सीपीपी चलिएगा कैलकुलेट करके बताओ भाई साहब देखें कितने लोगों को आता है पेपर पेन की जरूरत हो जाएगी या कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा लेकिन जवाब देके बताओ आप इसको कितना आंसर आएगा करिए भाई करिए किसी का आंसर आ जाए तो पुट करो जल्दी से क्योंकि तो ये कैलकुलेशन बेस एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा डेफिनेटली डेफिनेटली ये सवाल आपको एग्जाम में मिल जाएगा या तो एमएपी मिल जाएगा आईसीपी मिल जाएगा या सीपीपी मिल जाएगा <laughs> अच्छा फॉर्मूला भूल गए तो कोई बात नहीं सुनिएगा मेरे बच्चों हमसे कैलकुलेट करवा रहा है सीपीपी और सीपी इक्वल टू होता है मेरे बच्चों प्रेशर माइनस इंट्राक्रेनियल प्रेशर ठीक है ये पहले तो याद करो आप अब हैल परफ्यूजन प्रेशर क्या होता है ब्रेन के सेरिब्रल टिश्यूज में ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर ही सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर होता है जितनी ब्लड सप्लाई पहुंचती है सेरिब्रल परफ्यूजन के लिए उसके द्वारा जो कैपिलरीज हैं ब्रेन की उन पर जो प्रेशर मेंटेन हो रहा है दिस इज द दल परफ्यूजन प्रेशर और परफ्यूजन प्रेशर कैलकुलेटेड बाय द मीन आर्ट्रियल प्रेशर माइनस द इंट्राक्रेनियल प्रेशर लेकिन अब आपको इस एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर आपको देखिए बीपी दिया हुआ है आईसीपी दिया हुआ है लेकिन आपको मीन आर्ट्रियल प्रेशर नहीं दिया हुआ है मीन आट्रियल प्रेशर को भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तो कैसे निकालते हैं मेरे बच्चों मीन आर्ट्रियल प्रेशर इक्वल टू होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से प्लस कर दो टू और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ठीक है बेटा डिवाइड कर दीजिएगा तीन से ठीक है याद रखना वैल्यू रखते हैं सिस्टोलिक कितना है इसका नाइनटी प्लस टू से मल्टीप्लाई करके रख दीजिएगा सिक्सटी डिवाइड बाय थ्री कितना आएगा 90 प्लस 120 इधर 120 हो जाएगा ना तो 120 प्लस 90 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा uh, 120 प्लस 90 यानी कि 210 हो जाएगा राइट डिवाइड बाय 3 अब 3 से इसको डिवाइड करिएगा तो 7 जा 3 7 जा 21 3 7 जा 21 यानी कि 70 mm of hg आपका आ गया मेरे बच्चों क्या मेन आर्टेरियल प्रेशर अब मीन आर्ट्रियल प्रेशर तो आ ही गया है आईसीपी आपको दे ही रखा था तो चलो अब वैल्यू रख दो तो सीपीपी परफ्यूजन प्रेशर इक्वल टू सेवन माइनस ये फॉर्मूला लगा रहा हूं तो मीन आट्रियल प्रेशर कितना आया माइनस आईसीपी कितना दिया है एट्टीन और आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों फिफ्टी टू एम एम ऑफ एच जी आ गया क्या सोल्व करना मेरे बच्चों कर लोगे इस तरह के डेरिवेशन न्यूमेरिकल जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो अब कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं ना अब कर सकते हो फाइनली एक बार बता दीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों कर सकते हो अब वेरी गुड शाबाश आगे और सुनो इससे भी बेहतरीन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हर क्लास का एक एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे बच्चों और पीडीएफ में से रैपिड रिवीजन कर लिया करो सारे पीडीएफ आपको बुगली ऐप के अंदर प्रोवाइड करवा रहा हूं वो आपकी सहूलियत के लिए ही करवा रहा हूं ताकि आप हर एक दो दिन में पूरे लेक्चर्स को रिवाइज कर सको मेरे बच्चों वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता रिविजन करना अगर पी नहीं अवेलेबल करवाता ना तो बहुत मुश्किल हो जाता क्यों मुश्किल हो जाता क्योंकि फिर आप लेक्चर दोबारा थोड़ी देख सकते थे वापस इतने सारे रिवीजन करना था तो अब हमारे लिए क्या इजी हो गया कि हम ऐप के अंदर जाकर के और पीडीएफ जो है उनमें से सारे तीस के तीस लेक्चर्स को रिवाइज कर सकते हैं और सारे रिवाइज करके मेरे बच्चों गैस्ट्रो का जो पेपर दे रहे हो आप 26 को है ना मेजर कितनी तारीख को है गैस्ट्रो का मेजर आप बताइए गैस्ट्रोलॉजी का मेजर कितनी तारीख को है गैस्ट्रो का जो मेजर आपका होगा वो कितनी तारीख को होगा अरे रेनू का पीडीएफ मिलती ही नहीं है स्टोर पे क्लिक करना आपको ऐप के अंदर स्टोर है ऐप खोलते ही स्टोर पे क्लिक करते ही आप ऐसे डाल देना फ्री पीडीएफ और सर्च कर लेना इस नाम से फ्री पीडीएफ फ्री पीडीएफ करते ही आपको यूट्यूब क्लास वाले पीडीएफ सर्च हो जाएंगे ठीक है 26 को टेस्ट है सबको याद है वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा मोस्ट सेंसिटिव सेल फॉर ऑक्सीजन इज इनमें से कौन सा सेल है जो ऑक्सीजन के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव सेल है नर्व सेल मायोकार्डियल सेल लीवर का हेपेटोसाइट सेल या फिर स्टेम सेल और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों ध्यान से करना बहुत कठिन सवाल है बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ध्यान से करिएगा पक्की बात है नर्व सेल पक्की बात है क्या सही आंसर लगा रहे हो आप लोग श्योर हो आप श्योर हैं जो आंसर कर रहे हो <laughs> याद रखना मेरे बच्चों जो हमारी नर्व सेल है बिल्कुल वेरी गुड नर्व सेल ऑक्सीजन के प्रति यानी कि मेरे बच्चों अगर किसी को हाइपोक्सिया होता 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 है, क्या होता है होता है क्या हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया अब क्यों मेरे बच्चों या तो कोई भी पर्सन हायर एल्टीट्यूड पर जाता है हायर एल्टीट्यूड पर जाता है तो उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के केस में ऐसी स्थिति आ जाती है इसकी वजह से मेरे बच्चों हमारे जो ब्रेन की सेल है नर्व सेल वो ऑक्सीजन के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव सेल होती है और उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा वॉट इज नॉर्मल सर्वाइवल टाइम सर्वाइवल टाइम फॉर नर्व सेल इन स ऑफ ऑटू ऑक्सीजन की एब्सेंस में नर्व सेल का नॉर्मली सर्वाइवल टाइम कितना होता है इस क्वेश्चन का आंसर करो बेटा नॉर्मली ऑक्सीजन की एब्सेंस में नर्व सेल का सर्वाइवल टाइम कितना होता है वेरी गुड शाबाश मेरे बच्चों याद रखना यूजुअली जब अगर ऑक्सीजन ना मिले तो उस कंडीशन में हमारे ब्रेन की जो नर्व सेल्स होती हैं नॉर्मली कम से कम थ्री मिनट तक जिंदा रह सकती है और मैक्सिमम अगर हमने देखा है मेरे बच्चों तो मैक्सिमम सिक्स मिनट तक जिंदा रह सकती है तो यदि अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको थ्री टू सिक्स मिनट आंसर करना होगा ल फॉर द सर्वाइवल इन एबसेंस ऑफ द ऑक्सीजन क्लियर है सब लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बेटा अगला सवाल वाट आर द फंक्शन ऑफ द सहरीबैलम एक्सेप्ट याद रखना दोनों वर्ड्स को मैं आपसे सहरीबैलम का फंक्शन पूछ रहा हूं और ये सफदर जंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम टू थाउजेंड एटीन का क्वेश्चन है कौन सा सहरीबैलम का फंक्शन नहीं है और इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो आप मार्क कर लीजिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और चलिए जवाब दीजिएगा विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम सेरिबेलम का कौन सा फंक्शन नहीं है वेरी गुड शाबाश बेटा क्यों क्योंकि हियरिंग जो होता है ना मेरे बच्चों हियरिंग काम किसका फंक्शन है ऑडिटरी सेंटर्स का फंक्शन होता है ना कि सेरिबेलम का और ऑडिटरी सेंटर्स कहां होते हैं मेरे बच्चों हमारे ब्रेन के सेरिब्रल कोटेक्स के सेरिब्रल कोटेक्स के कौन से लॉब के अंदर होते हैं चलिए एक और जवाब दीजिए आप हियरिंग के जो सेंटर होते हैं वो कहां होते हैं तो इतना तो मैंने कहा ऑडिटरी सेंटर और ये होते हैं सेरिब्रल कोटेक्स के अंदर तो सेरिब्रल कोटेक्स के कौन से लॉब के अंदर होते हैं बेटा ऑडिटरी सेंटर्स तो याद रखना मेरे बच्चों ये होते हैं टेम्पोरल लॉब में तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो चुका होना चाहिए कि सर जो हियरिंग होता है ना वो सेरिब्रल कोटेक्स के टेम्पोरल लॉब में पाए जाने वाले ऑडिटरी सेंटर्स की वजह से होता है ना कि सेरिबेलम की वजह से तो हियरिंग इसका फंक्शन नहीं है मेरे बच्चों बाकी जो सेरिबेलम काम करता है वो मसल टोन को भी इक्विलिब्रियम को भी और पोस्चर को भी आप जानते हैं मेरे बच्चों कि जब ईयर का एनाटॉमी आपको पढ़ाऊंगा तो ये ईयर के तीन पार्ट होते हैं सबसे पहला एक्सटर्नल ईयर मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर मेरे बच्चों इंटरनल ईयर के अंदर दो ट्यूब्स आपको पढ़ा रखी है मैंने यहाँ पर कॉकलिया होता है और तीन सेमी सर्कुलर ट्यूब्स होती है तो ये सेमी सर्कुलर ट्यूब्स जो होती है, करती है और ये जो होता है है बेटा हियरिंग मेंटेन करता अब यहां से इक्विलिब्रियम की जो नर्व जाती है वेस्टिब्यूल नर्व वो कहा लेकर जाती है इंपल्सिस को सेरिबेलम के अंदर क्लियर हो गया है और जो हियरिंग वाला ऑडिटरी नर्व जाता है मेरे बच्चों वो कहा लेके जाता है इंपल्सिस को वो लेके जाता है सेरिब्रल कोटेक्स के टेम्पोरल लॉब के अंदर और इस प्रकार से आपको हियरिंग और इक्विलिब्रियम दोनों फंक्शन प्रॉपरली होते हैं बैलेंस इक्विलिब्रियम बोले तो बैलेंस तो बैलेंस का काम करना पोस्चर का, का काम करना या मसल टोन का, का काम करना किसका फंक्शन है मेरे बच्चों का फंक्शन है इसके अलावा और भी सुनिए आप लिस्टन केयरफुली आपके सेरीवैलम में क्या क्या काम होते हैं तो आईबोल का मूवमेंट भी सैरीबैलम करता है क्या करता है बेटा पहला फंक्शन बताइए सेरिबेलम का व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम आगे भाई साहब आप मोस्ट वेलकम आपका बहुत बहुत स्वागत है आईबोल का मूवमेंट वॉलेंट्री मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन कौन सी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन कोऑर्डिनेशन मेरे बच्चों वॉलेंट्री मसल्स के जैसे मैं ये हाथ से मूवमेंट कर रहा हूं तो हमारी वॉलेंट्री मसल कौन सी है स्केलेटल मसल्स स्केलेटल जो मसल्स होती हैं ये होती हैं मेरे बच्चों वॉलंट्री मसल्स और वॉलंट्री मसल्स का कोऑर्डिनेशन भी सेरिबेलम करता है मसल के टोन को मसल बॉडी के पोस्चर को बॉडी के कोऑर्डिनेशन को भी सेरिबेलम ही कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर कॉग्निशन कॉग्निशन समझते हो आप इनसाइट और कॉग्निशन मेरे बच्चों आप अपने आप के बारे में अवेयर है कि आपके अंदर क्या अच्छाइयां है क्या बुराइयां हैं क्या कमियां है आपके अंदर वो आपके इनसाइट है आपकी जो बुद्धि है जितना आपको लर्न होता है जितना आपका ब्रेन स्टोर कर सकता है वो हमारी स्मरण शक्ति है कॉग्निशन कैपेसिटी है तो हमारी जो कॉग्निशन एबिलिटी होती है उसको भी हमारा शहरी ही नियंत्रण में रखता है मोटर स्किल्स जो लर्निंग से रिलेटेड होते हैं जैसे कि कोई भी बच्चा यदि अगर लिखना सीखता है क्या कह रहा हूं मेरे बच्चों लिखना तो लिखना में मैंने जो लिखने के लिए जो हाथ को चलाया है ये एक प्रकार का लर्निंग स्किल है लेकिन कौन सा है लर्निंग में भी मोटर लर्निंग स्किल है मेरे बच्चों तो सरिब के क्या क्या फंक्शन होते हैं एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे पहला फंक्शन आई बॉल का मूवमेंट दूसरा फंक्शन वॉलेंट्री मसल्स का कोऑर्डिनेशन, तीसरा फंक्शन मसल्स की टोन पोस्चर और बॉडी का कोऑर्डिनेशन, चौथा फंक्शन कॉग्निशन और पांचवा फंक्शन लर्निंग मोटर स्किल तो पहला फंक्शन बोलिए मेरे बच्चों कि ये सेरिबेलम क्या करता है आई बॉल के मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है सेकंड फंक्शन बोलिएगा मेरे बच्चों ये हमारी बॉडी की वॉलंट्री मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है तीसरा फंक्शन बोलिए मेरे बच्चों मसल्स की टोन को हमारी बॉडी के पोस्चर को और इक्विलिब्रियम को भी रेगुलेट करता है और मोटर लर्निंग स्किल्स को भी कंट्रोल करता है क्रिस्टल क्लियर है यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बेटा अगला सवाल विच ब्रेन पार्ट ऑल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन अच्छा आपने सुना है ना यार यहां कोई मारता है अगर आपके यहां यहां कोई मारता है तो आप क्या कहते हो कि यार यहां मत मारे छोटे दिमाग पे लगती है तो आज मैं वही पूछ रहा हूं आपसे कि छोटा दिमाग किसे कहा जाता है छोटा दिमाग किसे कहते हैं सुना तो होगा आप लोगों ने सुना तो होगा कि छोटा दिमाग किसे कहते हैं <laughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया छोटे दिमाग पे मत मारा कर यार छोटा दिमाग गधों क्या आंसर कर रहे हो ये तुम लोग जो आंसर कर रहे हैं मिड ब्रेन मिड ब्रेन कहा है मेरे बच्चों पॉन्स भी नहीं है सेरिब्रम भी नहीं है क्योंकि सेरिब्रम तो बड़ा दिमाग है छोटा नहीं और छोटा दिमाग कहते हैं बेटा सेरिबेलम को जो कहा होता है बैक ऑफ ब्रेन बैक ऑफ हेड सिर के पीछे की साइड में यहां पर ठीक है ना एक तो याद रखना छोटा दिमाग किसे कहते हैं तो सेरिबेलम को बोला जाता है और छोटा दिमाग कहाँ होता है तो बैक ऑफ द हेड में छोटा दिमाग यानी कि लिटिल ब्रेन पाया जाता है ठीक है बेटा तो लिटिल ब्रेन किसको बोलते हैं छोटे दिमाग पे किसी के नहीं मारना चाहिए क्लियर हो गया कहा छोटे दिमाग पे किसी को भी नहीं मारना चाहिए यानी कि सेरिबेलम के ऊपर नहीं मारना चाहिए इसको कहते हैं लिटिल ब्रेन याद रहेगा ये कहा होता है बैक ऑफ हेड पर नेक्स्ट क्वेश्चन करिए नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द सीएसएफ ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है बेटा और एम्स में कई बार पूछा जा चुका है मार्क करो इस पर एम्स ठीक है बहुत बार आ चुका है एम्स और सीएचओ के अंदर भी दो चार बार ये क्वेश्चन आया है एम पी स्टार्टिंग में हुआ था उसके अंदर भी आया था तो आप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉर्मली आपसे पूछ रहा हूं कि सीएसएफ में कितना ग्लूकोज लेवल होता है शाबाश वेरी गुड बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं और जो हमारा सी एस एफ है सी एस एफ के अंदर ग्लूकोज होता है मेरे बच्चों 45 से पर डी एल कितना होता है मिनिमम फोर्टी फाइव रहता है और मैक्सिमम एट्टी मिलीग्राम पर डीएल तक रहना चाहिए अच्छा जब मैं एंडोक्राइन पढ़वाऊंगा ना आपको एंडोक्राइन पढ़ाऊंगा तो एक सर्जरी पढ़ाऊंगा यहाँ पर क्या पढ़ाऊंगा मेरे बच्चों हाइपोफाइसेमी हाइपो फाइसेक्टोमी ठीक है ना जब हाइपो फाइसेक्टोमी करोगे आप तो हाइपो फाइसेक्टोमी करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है ब्रेन को ओपन करना पड़ता है तो ब्रेन को ओपन करने की सर्जरी जो होती है वो क्रेनियोटॉमी होगी तो किसी भी व्यक्ति का अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का सर्जरी करना पड़ा तो उसमें हमें क्रेनियोटॉमी करनी ही पड़ती है तो जब भी कभी क्रेनियोटॉमी करते हैं तो क्रेनियोटॉमी या से क्या हो जाता है डैमेज टू ब्रेन मैनजीज ये ब्रेन की मैनजीज को डैमेज कर देती है सर्जरी यानी इसमें मैनजीज पे तो इंसिजन होगा हो ही होगा और जब मैनजीज का इंसीजन होता है ना तो यहां पर मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या बनता है मेरे बच्चों मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या कोई बता पाएगा हाइपोफाइसेक्टोमी का मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या बनता है मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है मेरे बच्चों क्या इसका मेजर कॉम्प्लिकेशन सीएसएफ का लीकेज तो सीएसएफ के लीकेज को कंफर्म कैसे किया जाएगा क्या तरीका होगा सीएसएफ के लीकेज को कंफर्म करने का तो सीएसएफ लीकेज को कंफर्म करने का तरीका होता है मेरे बच्चों की इस सिक्रीशन में जो सिक्रेश आ रहे हैं नेजो सिक्रेशन होंगे ये कौन से सिक्रेशन होंगे नेजो कहां पर आके कलेक्ट होंगे नेजोफेरेंजियल एरिया में जो सिक्रेशन हो रहे होंगे इन नेजोफेरेंजियल सिक्रेशन को हम क्या कर लेंगे टेस्ट फॉर ग्लूकोज ग्लूकोज के लिए टेस्ट लगा लेंगे और यदि अगर मेरे बच्चों ग्लूकोज का टेस्ट लगाने पर आप देखोगे कि इसमें ग्लूकोज का जो रेंज है वो 45 से 80 के आ रहा हो हो तो वी अंडरस्टैंड दैट कि ये CSF ही है क्रिस्टल क्लियर हो गया फोर्टी तक हेलो साइन कहते हैं इसको वेरी गुड शाबाश क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि किस तरह से कौन सी सर्जरी के अंदर कौन सी सर्जरी में क्या कॉम्प्लिकेशन होगा क्यों होगा और अगर होगा तो हम क्या करेंगे कैसे करेंगे क्रिस्टल क्लियर है अच्छा एक और सवाल बताइए आप नॉर्मल आईसीपी कितना होता है क्वेश्चन देखिए नॉर्मल आईसीपी इसका जवाब दो आप ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आईसीपी या सीएसएफ प्रेशर भी आप इसको कह सकते हो सीएसएफ का प्रेशर या इंट्राक्रेनियल प्रेशर आईसीपी नॉर्मली कितना होता है शाबाश सबको आता है वेरी गुड नॉर्मली इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है मेरे बच्चों फाइव टू फिफ्टीन एम एम ऑफ एच जी ठीक है और यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कई बार एम्स में आ चुका है मेरे बच्चों लगा लो एम्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो चलिए मेरे बब्बर शेरों आज के लिए बस इतना ही क्लास अच्छा लगा है तो लाइक करना शेयर करना और उन हर किसी नीडी स्टूडेंट को बताइएगा जो पढ़ना चाहता है परिवार पे फैत के लिए ट्रस्ट के लिए और आप सबको पढ़ाई के लिए बुगली को चूज करने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ स्वागत करता हूँ थैंक यू सो मच मेरे बच्चों शुभ रात्रि आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे कल फिर से तब तक के लिए जय हिंद जय भारत